सेनेट इलेक्शन के हवाले से जोर तोड़ अरूज पर है। जीत के लिए नून लीग और तहरीक इंसाफ की आला क्यादत मुतहरिक हो गई है। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज शरीफ ने अराकीन असम्बली को टास्क सौंप दिए हैं। पीटीआई ने चौधरी सरवर, चौधरी परवेज इलाही और अब्दुल अलीम खान को टास्क दे दिया है। इस मुतालिक जान लेते हैं इखलाक बाजवा से। जी इखलाक बाजवा, कहेगा जोर तोड़ इस वक्त अरूज पर है। आमना, जीत के लिए नून लीग और तहरीके इंसाफ की आला क्यादत जो है वो मुतहरक हो गई है। सेनेट इलेक्शन के हवाले से पंजाब असम्बली में कायदे हिजबे इख्तलाफ हमजा शबाशी ने अराकीन असम्बली को खसूसी टास्क सौंप दिया। करीबी साथियों को पीटीआई और आजाद अराकीन से वोट लेने के लिए राब्तों का टास्क दिया गया है, जबकि हुक्मरान जमात की जानिब से चौधरी मोहम्मद सरवर, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को टास्क मिल गया है। चौधरी सरवर को जनूबी पंजाब, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को काफ लीग और नून लीग के अराकीन असम्बली, जबकि अलीम खान को वसी पंजाब के अराकीन असम्बली से राब्तों का टास्क जो है वो दे दिया गया है। 371 के ईवान में अति इतबार की बात की जाए तो हुक्मरान जमात को वाजह बढ़तरी हासिल है, जबकि अपोजिशन को ख्वाजा साद रफीक की छोड़ी हुई निश्चित जो है वो महंगी पड़ सकती है। जनरल निश्चित पर मुसलिक नून की सऊद मजीद और तरीके इंसाफ के वलीद इकबाल मद्दे मुकाबले हैं, जबकि खवातीन की मखसूस निश्चित पर नून लीग की सायरा अफजल तारड़ और पीटीए की सीमी इज्जी जो है वो मैदान में है। 15 नवंबर को पंजाब असम्बली में ये मार्का जो है वो होगा और अब ये कौन जीतेगा कौन हारेगा इस हवाले से 15 नवंबर की डेट जो है वो बड़ी अहम है। जी शुक्रिया इखलाक बाजवा।